कर्नाटक बीजेपी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के समानांतर मंगलवार को संकल्प यात्रा शुरू की है। कांग्रेस ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है और कहा है कि वो राहुल गांधी की अगुवाई में चल रही पदयात्रा से इस कदर घबराई हुई है कि उसके प्रभाव को रोकने के लिए यात्रा निकाली है। बीजेपी ने मंगलवार को संकल्प यात्रा की शुरुआत की है, जिसके तहत बोम्मई और बी एस येदियुरप्पा लोगों को बताएंगे कि उनकी सरकार ने जनता के लिए क्या क्या किए। ये यात्रा रायचूर से शुरू हुई है और दो दिनों में तीन जिले जाएगी। ये जिले हैं कोप्पल, विजयनगर और बेल्लारी। इस यात्रा के दौरान रैलियां और बैठकें होंगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बोम्मई लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करे। सुरजेवाला ने बीजेपी से 10 सवाल पूछे हैं और कहा है कि इन प्रश्नों का जवाब दे। उन्होंने कहा कि बोम्मई येदियुरप्पा ने प्लेन हेलीकॉप्टर यात्रा शुरू की है क्योंकि बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा में लोगों की भीड़ उमड़ने से घबराई हुई है। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर सवाल दागा है कि कर्नाटक की जनता जानना चाहती है, क्या बीजेपी ने बी एस येदियुरप्पा को भ्रष्टाचार के आरोपों में सीएम पद से हटाया था? क्या लोकायुक्त ने उनके खिलाफ FIR दर्ज की है? कांग्रेस ने सवाल किया है कि क्या कर्नाटक में लोगों के जुबान पर पे सीएम नहीं है? सरकार ने 40% कमीशन लेने की शिकायत ठेकेदारों के संगठन की ओर से किए जाने पर कोई कार्रवाई नहीं की है।